क से कबूतर, ख से खजाना, ग से गमला, घ से घड़ी। अंग अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता, लेकिन इसे शब्द के ऊपर बिंदी जैसा जोड़ा जाता है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज़ बदलती है। उदाहरण के लिए, शा और अंग को जोड़ने से शंग बनता है, जैसे शंख। जैसे बा और अंग को जोड़ने से बंग बनता है, जैसे बंगाल। चौ चौ से चम्मच, छ छ से छतरी, ज ज से जहाज, झ झ से झंडा। इये से भी कोई भी शब्द नहीं बनता, इसे हम आधा अनुस्वार कहते हैं। इसे अक्षर के ऊपर चंद बिंदी जैसा जोड़ा जाता है। इस चंद्र बिंदी से शब्द की आवाज़ बदलती है। उदाहरण के लिए, दा और इये को जोड़ने से दा बनता है, जैसे दांत। गा और इये को जोड़ने से गां बनता है, जैसे गांव। टा से टमाटर, ठा से ठेला, डा डा से डब्बा, ठा ढा से ढक्कन, णा णा से भी कोई भी शब्द नहीं बनता, लेकिन णा को शब्द के बीच में और आखिर में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, गुड़, बाण। ता से तरबूज, था से थर्मा, दा दा से दवाई, धा धा से धन, ना ना से नारियल, ता पा से पतंग, फा फा से फल, बा बा से बत्तख, भा भा से भालू, मा मा से मछली, या से यान, रा रा से रस्सी, ला ला से लकड़ी, वा वा से वन, शा शा से शहनाई, शा शा से षटकोण, सा सा से सूरज, हा हा से हाथी, त्रा त्रा से त्रिशूल, छा छा से शकिरण, ग्या ग्या से ज्ञानदाता। दोस्तों, अगर आप इस तरह की